शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान् प्रेष्ठां भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः गच्छाधव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधे मत्सन्देशैर्विमोचया तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकः मामेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गतः यत्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् विभर्यः मयि ताः प्रेयसां पृष्ठे दुरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यङ्गविमुह्यन्ति
धारयन्तति कृष्णेन धारयन्तति कृष्णेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशैः प्रत्यागमन सन्देशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकः वल्लभ्यो मे मदात्मिकः श्रीशुक उवाच ऋषीणां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् द्वौ बुद्धिसत्तम् श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा वृष्णिवंशियों का प्रवर सर्वश्रेष्ठ मंत्री मंत्रणा देने वाले कृष्णस्य परमानंद घन श्री कृष्ण का दैतः अत्यंत प्रिय सखा मित्र शिष्यः शिष्य बृहस्पतेः देवगुरु बृहस्पति जी का साक्षात् उद्धवः उद्धव नामक यादव बुद्धि सत्तम पंडित शिरोमणि तम उनसे आहा कहे भगवान श्री कृष्ण प्रेष्ठान जो भगवान के परम प्रिय थे भक्तान भक्त थे एकांतिनाम अनन्य क्वचित किसी समय ब्रज स्मरण के समय गृहीत्वा ग्रहण करके पाणिना अपने दाहिने हाथ से पाणी उद्धव जी के दाहिने हाथ को पकड़कर प्रपन्नार्ती हरह अपने शरण में रहने वाले भक्तों का जो दुख हर लेते हैं हरि ही क्योंकि दुख हरने का उनका स्वभाव ही है इसीलिए उनको हरि कहा जाता है गच्छा जाओ उद्धव हे उद्धव ब्रजान ब्रज में सौम्या हे शांत स्वभाव वाले पितृ हो मेरे माता पिता को यशोदा और नंद को नौ हमारे जो हमारे माता पिता हैं उनको प्रीति प्रसन्नता आवह दो गोपी नाम और श्री गोपियों का मद वियोगाधीन मेरे वियोग से जो पीड़ा हो रही है उसको मत संदेश ही मेरे संदेशों द्वारा जो मैं पत्र में लिखा हूँ इन संदेशों द्वारा विमोचया दुख नष्ट करो
गत वर्ष हरिद्वार में कथा हुई थी उसी का आगे का कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। मथुरा में उन्होंने विविध लीलाएँ की और उसके बाद ये प्रसंग आता है। मथुरा में भगवान कंस आदि का वध किए और इसके बाद उज्जैन चले गए पढ़ने के लिए। श्री वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों का एडमिशन कराया उज्जैन में गुरुकुल में। श्री संदीपनी मुनि के यहाँ तो दोनों भाई वहाँ पढ़े अच्छी तरह से। इसके बाद गुरु दक्षिणा दे करके वे लौट आए मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई लिखाई ब्रज में नहीं हुई क्योंकि यहाँ तो केवल बकरी भेड़ चराते थे गाय चराते थे तो क्या पढ़ेंगे। गाय भैंस चराने में जो रहेगा पढ़ेगा क्या, तो कुछ भी नहीं। स्कूल का मुख भी नहीं देखे, स्लेट भी नहीं पकड़े थे। लेकिन जब मथुरा गए तो पिताजी को बहुत चिंता हुई वसुदेव जी को, मेरे दोनों बेटे अपढ़ रह जाएंगे पढ़े नहीं। तो वे तत्काल ही उनको अपने घर से दूर पढ़ने के लिए भेजे अवंतिका में उज्जैन में। उसको उस अवंतिका को उज्जैनी कहते हैं, उज्जयनी उज्जैनी, उसी को उज्जैन उज्जैन कहते हैं। उज्जयनी उज्जैनी का अर्थ है कि जो बहुत ही जय दे विजय दे उसको उज्जैनी नगरी कहते हैं। तो उस उज्जैनी में भगवान पढ़ने के लिए गए विद्या पढ़ने के लिए। तो वहाँ से जब वे आए मथुरा तो क्वचित किसी समय या किसी स्थान विशेष में श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आने लगी। तो उस समय भगवान ब्रज में एक संदेश भेजे अपने माता पिता के लिए और श्री गोपीजनों के लिए। माता पिता के लिए अलग पत्र लिखे, नंद जसोदा के लिए अलग पत्र और श्री गोपीजनों के लिए एक भिन्न पत्र भेजे और संदेश भी कहे। उद्धव जी को उन्होंने ब्रज में दूत बना करके भेजा, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी की विशेषता बताए हैं। पहले क्यों उद्धव को ही भगवान ने दूत भेजा, इसके कई कारण हैं। यहाँ पर श्री उद्धव जी के 6 गुण गिनाए जा रहे हैं। वृष्णी नाम प्रवर एक गुण है, दूसरा है कृष्णस्य मंत्री या वृष्णी नाम मंत्री, दोनों में बैठे कृष्णस्य दैतः और सखा, ये 2 और हुआ तो 4 हो गए। और शिष्य बृहस्पति साक्षात और बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य और बुद्धि सप्तमा, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, ये 6 गुण हैं। जिस प्रकार श्री भगवान में कृष्ण में 6 गुण हैं इसलिए उनको भगवान कहते हैं, तो श्री उद्धव जी में भी 6 गुण हैं उसी तरह का। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि नोद्धवो अणुअपि मन न्यून, उद्धव अणु मात्र भी हमसे न्यून नहीं है, कम नहीं।
अणु मात्र भी, ये बहुत ध्यान देने की बात है। अणु कहते हैं बहुत अल्प अंश को, अल्प कण, लेकिन भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि उद्धव हमसे अणु मात्र भी कम नहीं है। हमें जो ज्ञान है, ऐश्वर्य है और सब कुछ जो भी भगवान में अनंत गुण है, विशेषता है, उद्धव जी उसके प्रतिमूर्ति हैं, भगवान से कम नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान प्रेम में बोल रहे हैं, ऐसे कह दें कमी नहीं है। वास्तव में उद्धव जी में कमी नहीं है। इसी से तो भगवान अपने बदले में ब्रज में श्री उद्धव जी को भेजे। क्यों वे नहीं गए ब्रज में, क्यों भगवान कृष्ण नहीं गए, क्यों भेजे दूत, क्यों भेजे, इसके कई कारण थे। ऐसे वास्तविक कारण तो यह है कि श्री गोपी जनों के प्रेम के उत्कर्ष को इस जगत में भी दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसे प्रकट भगवान के लीला में इस बात को देखा जाता है कि उनको कभी कोई फुर्सत नहीं मिली। कंस का उन्होंने वध कर दिया तो जरासंध अपने दामाद के वध का बदला लेने के लिए प्लान बनाया कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को जादवहीन कर दूंगा, क्योंकि जदुवंश में कृष्ण का जन्म हुआ है और कृष्ण हमारे दामाद को मारा है। तो उसने प्रतिज्ञा किया राजाओं के बीच में, अयादवी महिम कर तुम, इस मही को पृथ्वी को अयादवी कर तुम, जादवहीन करने के लिए। और जादव सब बसे थे मथुरा में, ऐसे कंस के अत्याचार से तो पहले ही भाग गए थे, परंतु फिर भी सबसे पहला आक्रमण जरासंध करना चाहता था मथुरा पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी जादवों को जहाँ तहाँ से बुला लिया था। वे अपना घर छोड़ करके जो गए थे प्रदेश में, प्रवास में थे, उनको बुलाया भगवान ने और सबके लिए घर की व्यवस्था किया, रहने के लिए सबके आजीविका की व्यवस्था, परम सुख दिया, तो सभी बहुत सुख से रह रहे थे मथुरा में। जरासंध आक्रमण करने वाला है, इसको भगवान जान गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं नहीं रहूँगा, मैं यदि ब्रज में जाता हूँ, इधर जरासंध सबका वध कर देगा और किसी किसी को जीवित पकड़ करके ले जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि इस समय मेरा जाना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, वे नहीं गए, बुला लिए होते नंद बाबा आदि को, श्री गोपी जनों को बुला लिए होते मथुरा में, क्या दूर है। तो भगवान ने सोचा कि यदि यहाँ बुलाऊंगा तो उन लोगों को भी दुख ही होगा, जरासंध जब आक्रमण करेगा तो बहुत भयानक युद्ध होगा यहाँ पर, इसलिए उन लोगों को यहाँ बुलाना ठीक नहीं है, मथुरा में बुलाना ठीक नहीं। और दूसरा, भगवान ने यह भी सोचा है कि वास्तव में मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ और वसुदेव जी का भी पुत्र हूँ, यहाँ मथुरा में यदि मैं नंद बाबा को बुलाता हूँ और श्री गोपी जनों को, तो पिताजी हमेशा हमारे साथ पुत्र का व्यवहार करेंगे और कहीं ऐसा न हो कि ब्रजवासियों का मेरे प्रति प्रेम शिथिल हो जाए यह जान करके कि मैं वास्तव में जादव हूँ और मथुरा में मेरा जन्म हुआ था, कहीं इस बात को ये लोग जान न जाए। तो हमारा जो बंधु प्रेम है, हमारे प्रति जो प्रेम है ब्रजवासियों का, उस थोड़ा शिथिल हो सकता है। वो तो यही जानते हैं ना कि मैं जसोदा जी का पुत्र हूँ, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ। इस भाव में कुछ भेद पड़ जाता है। मथुरा में लोग बहुत दिन रहते तो इसलिए भगवान वहाँ बुलाना नहीं चाहते थे, और अंततः इनको ब्रज में जाना ही है,
निश्चय है, कुछ दिन के लिए जल बिताना है, रक्षा करनी है अपने भक्तों की। वास्तव में ये भक्त बहुत दुखी थे, कंस बहुत अत्याचार किया था, अपना घर द्वार सब छोड़ करके चले गए थे और अव्यक्त स्थान में जहाँ तहाँ छिप करके रहते थे, किसी तरह जी रहे थे, गुजारा कर रहे थे। उनको भगवान ने बुलाया, यदि इनको छोड़ करके मथुरा से वे चले जाते हैं ब्रज में तो तत्काल फिर से बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। अतः श्री कृष्ण स्वयं ब्रज में नहीं गए, तो अपने मित्र को भेज रहे हैं। तो उद्धव जी के गुण गिना रहे हैं। वृष्णी नाम प्रवर, वृष्णी वंशियों में श्रेष्ठ, ये गुण है उद्धव जी का। उद्धव जी वृष्णी वंशी हैं, जदवंशी हैं, लेकिन उसमें भी प्रवर श्रेष्ठ। ये सारे जो गुण बता रहे बताए जा रहे हैं, इन सबका लक्ष्य यही है कि ये ब्रज में जा करके नंद जसोदा को और गोपीजनों को समझाने में समर्थ हैं। प्रवरा वृष्णी बंसी एक अत्यंत उन्नत और श्रेष्ठ मनुष्य हैं पृथ्वी पर, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ श्री उद्धव जी हैं। वृष्णी नाम प्रवरा पर लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी, वृष्णी नाम विविध है भावना नाम अपि सर्वेशामेव जादवा नाम सम्मतः अति आदृत इति परम चातुर्यम अभिप्रेत। वृष्णी नाम प्रवर, वृष्णी वंशियों के वे सम्मत थे, या मंत्री को इधर भी लगा सकते हैं, वृष्णी नाम प्रवर और मंत्री वृष्णी वंशियों में श्रेष्ठ थे। यद्यपि वृष्णी वंशियों में अनेक भाव के लोग थे, लेकिन सबके लिए ये सम्मत थे। सभी उद्धव जी से प्रेम करते थे, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, छोटा हो, बच्चा हो या स्त्री पुरुष, कोई भी, सभी के द्वारा ये आदृत थे, इनका आदर करते थे। तो इससे परम चातुर्य अभिप्रेत हैं, अर्थात ये परम चतुर थे किसी को समझाने में, बुझाने में। और मंत्री, मंत्री का अर्थ है गुप्त युक्ति प्रद, किसी बिहार समय में जो ये मंत्रणा देते थे तो अद्भुत देते थे, उससे विष्णुवंशी विजय प्राप्त करते थे। मंत्री थे, मंत्री उसको कहते हैं जो मंत्र दे, तो मंत्री कहते हैं। मंत्र का अर्थ होता है राय, परामर्श। राजाओं के पास ऐसे मंत्री रहा करते थे जो देते थे, मंत्रणा देते थे। सबसे बड़ा मंत्र है महामंत्र, ये देना चाहिए, ये बोलना चाहिए, इसी से सब प्रकार का कल्याण होता है। भगवान की भक्ति का मंत्र सबसे बड़े मंत्री हैं, वे देते हैं। श्रील प्रभुपाद सबसे बड़े मंत्री हैं जिन्होंने सारे विश्व में महामंत्र दिया। ये उद्धव जी वृष्णी नाम मंत्री अथवा कृष्ण से मंत्री, कृष्ण स्वयं वृष्णी वंशी हैं, तो ये कृष्ण के मंत्री हैं। कृष्ण के मंत्री इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को भी मंत्रणा देने में समर्थ हैं, जो भगवान को भी गुप्त युक्ति बता सकते हैं, तो औरों के लिए क्या कहना।
मंत्र, कृष्णस्य मंत्र और कृष्णस्य दैत, कृष्ण के ये दया के पात्र हैं। जब कोई व्यक्ति दया का पात्र होता है तो उसको दैत कहते हैं, दैत दया के योग्य। यहाँ भगवान ने उद्धव जी को जो दूत बना करके भेजा तो इसमें उद्धव जी के प्रति इनकी क्या दया थी। वैसे तो उद्धव जी प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण के दया के पात्र हैं। यह पंच हायनो मात्रा प्रात रासाय याचित नैषद तज रचयन नैषद रचयन जस सपर्यम बाल लीला। उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे उसी समय से भगवान कृष्ण के प्रति इतना अनुराग था कि भगवान की जब पूजा करते थे बाल लीला में, चमर डुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 5 वर्ष का बच्चा। और उस समय बच्चे उद्धव को उनकी माँ बार बार भोजन के लिए, नाश्ता के लिए प्रार्थना करती थी, याचित बारंबार प्रार्थना करती थी, बेटा अब खा लो खा लो खा लो। वो किसके लिए? प्रातः आशाय, प्रातःकालीन भोजन के लिए। लेकिन तल न इच्छत, इच्छा नहीं करते थे। पूजा में इतनी उनकी रति थी, 5 वर्ष का बच्चा और भी पूजा बाल लीला में कर रहे हैं, कोई मंदिर में नहीं, बाल लीला बाल चेष्टा। उद्धव जी सदा भगवान की पूजा में रहते थे। जो 5 वर्ष का बच्चा है और माँ के कहने से खा नहीं रहा, कितनी बड़ी बात। हम लोग ऑलरेडी प्रातः आशाय कर चुके, प्रातःकालीन भोजन हो चुके हैं है ना, जिसको नाश्ता कहते हैं। नाश्ता का अर्थ होता है न आस्ता, भोजन नहीं, इसका मतलब ये होता है। आस्था मैंने खाना होता है और न मैंने नहीं, न आस्ता खाना नहीं है, लेकिन खाना भी कहेंगे इसलिए उसको नाश्ता कहते हैं संस्कृत में। बच्चे छोटे होते हैं तो कितना भूख लगती है उनको, उनकी अग्नि प्रदीप्त रहती है पेट की और तुरंत भोजन चाहते हैं, भोजन चाहते हैं। श्री कृष्ण जब सोते थे तो सोते समय जब उठते थे भोर में तो सबसे पहले माँ यशोदा का स्तन पीने लगते थे, भूख लगी रहती थी। और एक दिन माँ दूध पिला रही थी तो इनको जमीन पर रह करके चली गई दूध उतारने के लिए, इसी पर ये बहुत क्रोधित हो गए और अपने घर का ही सामान फोड़ने लगे, छिकने लगे, दही दूध गिरा करके बर्तन फोड़ कर। इसी में माँ ने इनको उखल में बांधा था। एक प्रमाण है कि किस तरह बच्चे को भूख लगती है, और उसकी भूख पूरी नहीं हुई तो तुरंत मटका फोड़े, ये फोड़े, बहुत भूख लगती है सवेरे, सवेरे भूख का अनुभव होता है सबको। अभी तिलक करके कुछ वैष्णव तैयार हुए तब तक कुछ खाने के लिए चाहिए तिलक किए बस काफी पुरुषार्थ हो गया भागवत पाठ बाकी है, जप बाकी है, लेकिन उद्धव जी की यह विशेषता बताई गई है तृतीय स्कंध में कि यह पंच हायनो, 5 वर्ष के बच्चा थे, स्वयं भी खाने की तो बात छोड़िए, माँ बारंबार प्रार्थना करती थी खा लो खा लो खा लो, इच्छा ही नहीं करते थे। क्यों नहीं इच्छा करते थे? क्योंकि बहुत अधिक सुख में थे, भगवान की पूजा में लगे रहते थे। रचयन जस सपरजाम तन्नैच्छद रचयन जस सपरजाम बाल लीला। तो ऐसे उद्धव जी भगवान के दया के पात्र। दया इसलिए हुई कि प्रिय सखा है, भगवान के प्रियतम सखा हैं ये।
सखा शब्द से यह ध्वनित किया जा रहा है कि ये भगवान के बिल्कुल समान है सखा। ऐसे सखा का अर्थ है जो साथ साथ खाए वो सखा है, सखा जो एक साथ खाए वो सखा होता है। लेकिन ये तो स्थूल अर्थ है। उद्धव जी भगवान के सखा हैं, तो उनके समान बिल्कुल है, उनमें मानसिक भेद कोई नहीं है। जो श्री कृष्ण की इच्छा है वही उद्धव जी की इच्छा रहती है, श्री कृष्ण के मनोरथ को पूरा करने की इच्छा रहती है। तो ऐसे मित्र के प्रति दया करना ये स्वाभाविक भगवान के लिए है। दया ये है कि उद्धव जी सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इस पूरे पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में जा कर के पढ़े थे बृहस्पति जी से। यहाँ तो कोई पढ़ने जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो पृथ्वी के एक देश से दूसरे देश में पढ़ कर के आएगा, लेकिन यहाँ से स्वर्ग जा कर के पढ़े ऐसा तो नहीं सुना गया है। और स्वर्ग में भी जो सबसे बड़ा विद्वान है, जो परम वैष्णव है, उस व्यक्ति ने डायरेक्ट इनको पढ़ाया। ऐसा नहीं था कि अपने शिष्य को लगा दिए कि तुम पढ़ा दो। साक्षात का ये अर्थ है कि साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। बृहस्पति जी इनकी भक्ति को देख करके, इनकी मेधा शक्ति को देख करके स्वयं पढ़ाए इनको। प्राय देखा जाता है कि लोग लगा देते हैं किसी दूसरे को, तुम पढ़ा दो तुम पढ़ा दो तुम पढ़ा दो, लेकिन बृहस्पति जी स्वयं पढ़ाए थे इनको। ये वेदों के और नीति शास्त्र के परम विद्वान थे, परंतु सब चीज पढ़े थे। भगवान ने सोचा कि उद्धव सब कुछ पढ़ा है लेकिन एक चीज नहीं पढ़ा है, ये प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ा है। मेरे साथ रहता है लेकिन प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ा, इसको पढ़ाना चाहिए। स्वर्ग में जा करके तो सारी विद्या सीख आया, लेकिन इसको ब्रज में भेज करके मैं प्रेम का पाठ पढ़ाऊँ, और वो भी गोपियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यही दया है भगवान की, अपने मित्र का परम हित करने के लिए भगवान इनको ब्रज में भेजे गोपियों के पास। उनको पढ़ाने में ये समर्थ है, उनको सांत्वना देने में समर्थ हैं, और श्री गोपीजन श्री राधा आदि इनको प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, इनको सिखाएंगे कि प्रेम किसे कहते हैं। यही भगवान की दया थी, इसलिए दैतः शब्द का प्रयोग किया गया। अपने व्यक्ति को, अपने मित्र को सबसे जो बहुमूल्य चीज है और उसको पढ़ाना चाहते थे, और वो है ब्रज का प्रेम, और उसमें भी श्री गोपी जनों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। इसको जब सुनेंगे उद्धव, उनके विकार को देखेंगे, प्रेम विकार को, तब इनका परम हित होगा। भगवान ने विचार करके ही उद्धव को भेजा, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस विचार से भगवान ने भेजा प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, और श्री गोपियों को सांत्वना देने के लिए, नंद जसोदा को सुख देने के लिए भेजा। कृष्ण के मंत्री हैं, कृष्णस्य मंत्री और वृष्णी नाम मंत्री अपिच सखा बृहस्पते है साक्षात शिष्य। इस शब्द के द्वारा यह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उद्धव जी बृहस्पति जी से पढ़े। बृहस्पति जी एक वैष्णव परंपरा में आते हैं, श्रीमद् भागवत में परंपरा बताई गई है, भागवत के तृतीय स्कंध के आठवें अध्याय में बृहस्पति जी एक भागवत परंपरा में हैं। भागवत की कई परंपराएं हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी ने भगवान से प्राप्त किया और ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने प्राप्त किया, इसी तरह से
भगवान शंकरसण से चार कुमारों ने प्राप्त किया और उन चारों कुमारों की परंपरा में श्रीपद निम्बार्काचार्य आते हैं, तो इसमें बृहस्पति जी हैं इस परंपरा में। तो इससे सिद्ध हुआ कि बृहस्पति जी परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं और सबसे बड़े विद्वान हैं जो देवताओं के गुरु हैं। एक मनुष्य जब पढ़ने गया स्वर्ग में तो बृहस्पति जी और सब काम छोड़ करके इस लड़के को पढ़ाए, उद्धव जी को पढ़ाए, परम वैष्णव जान करके भी पढ़ाए।